भारत आर्थिक संकट का गढ़ बनता जा रहा है। ये बात उद्योगों से जुड़े लोगों से लेकर अनियमित मजदूरों तक सबको मालूम है। हरियाणा के जींद जिले में 8 चपरासी और एक प्रोसेस सर्वर के पदों की वैकेंसी निकली, जिसके लिए विज्ञापन दिया गया। अधिकारियों के पास चपरासी के पद के लिए 14,836 और दूसरे पद के लिए 3,662 अर्जियां आईं, यानी कि हर वैकेंसी के लिए कुल मिलाकर 2,055 अर्जियां। वैसे तो चपरासी के पद के लिए सिर्फ 10वीं पास लोगों की आवश्यकता थी, पर इसके लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और यहां तक कि पीएचडी किए हुए लोगों ने भी आवेदन दिए। लोग पढ़ाई कर लेते हैं पर उन्हें अपने मुताबिक की जॉब नहीं मिल पा रही, उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा, इट इज नोन एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह राजस्थान विधानसभा सचिवालय में भी चपरासी के 18 पदों के लिए 12,453 ने अप्लाई किया। इनमें 129 इंजीनियर, 23 वकील, 1 सीए और 393 आर्ट्स के पोस्ट ग्रेजुएट लोग शामिल थे। ये दोनों घटनाएं दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के 4 साल के बाद देश में रोजगार की स्थिति कितनी खराब है, खासकर तब जब मोदी ने कम से कम 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है। इस साल करीबन 2.46 करोड़ लोगों की श्रम बल में बढ़ोतरी हुई, लेकिन 44% लोग ही काम करने के लिए उपलब्ध हैं। काम ढूंढने वालों की दर में भी कमी देखी गई। पिछले साल जनवरी में ये दर 47% थी। ये दर्शाता है कि युवाओं में हताशा बढ़ती जा रही है और अच्छी नौकरी की उम्मीद भी कम होती जा रही है। साल 2017 में करीब 1.15 करोड़ लोग नौकरी ढूंढ रहे थे, पर CMIE के आकलन के अनुसार भारत का कार्यबल 2016 में 40.53 करोड़ से बढ़कर 2017 में 40.74 करोड़ हो गया है। इसका मतलब एक साल में सिर्फ 20 लाख लोगों को ही नौकरी मिली, यानी नौकरियों में सिर्फ 0.5% की बढ़ोतरी हुई। इसीलिए ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि जयपुर और जींद में हजारों लोगों ने एक छोटे सरकारी पद के लिए अप्लाई किया। CMIE के आंकड़ों को और गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि शहरी इलाकों में सिर्फ 2% नौकरियां ही बढ़ी हैं और ग्रामीण इलाकों में 0.3% नौकरियों की गिरावट हुई। अगर आंकड़ों को मोटे तौर पर भी देखा जाए तो कम आमदनी वाले जैसे मौसमी, अनियमित रोजगार पाने वाले लोगों को जोड़ने के बाद भी 2017 में 2 करोड़ लोग बेरोजगार थे। इसमें 40% यानी 80 लाख लोग शहरी इलाकों से हैं, क्योंकि हजारों लोग लगातार गांवों से शहरों में काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं। इससे ये साफ है कि जॉब ग्रोथ की बातें सिर्फ एक जुमला है। 2018 का ये नया साल अंधकार में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सरकार के पास रोजगार बढ़ाने की कोई योजना दिखाई नहीं दे रही। भारत आर्थिक संकट का गढ़ बनता जा रहा है, ये बात उद्योगों से जुड़े लोगों से लेकर अनियमित मजदूरों तक सबको मालूम है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार लगातार बेकार की स्कीमों पर पैसे खर्च कर रही है और नकली राष्ट्रवाद की राजनीति का सहारा ले रही है।